गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कैसे आइलैंड के बारे में, जहां पर जो भी बाहर का आदमी गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया है। गाइस, हम बात कर रहे हैं भारत के नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड के बारे में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बसा एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का क्षेत्रफल सिर्फ 23 वर्ग मील है और यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 100 है। गाइस, इस आइलैंड पर लगभग 60,000 साल से इंसान बसे हुए हैं, लेकिन आज भी वो ठीक वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी आज से 60,000 साल पहले उनके पूर्वज जिया करते थे। ये लोग बाहरी दुनिया के लोगों से सख्त नफरत करते हैं, इसलिए अगर कोई भी वहाँ जाता है तो वे सभी उस पर तीरों से हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। ये आइलैंड भारत सरकार के अधीन है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि भारत क्या है और भारत के लोग कैसे हैं। उनके लिए उनका आइलैंड ही उनकी दुनिया है। गाइस, यहाँ के लोग अपना पेट पालने के लिए तीर से मछली का शिकार करते हैं। जहाँ आज पूरी दुनिया चांद पर पहुँच चुकी है, वहीं ये लोग तीर धनुष वाले युग में ही जी रहे हैं। ये लोग ना ही आग के बारे में जानते हैं और ना ही खेती के बारे में। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि खेती होती क्या है। गाइस, ये लोग जंगली जानवर, मछली और फलों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। गाइस, ये लोग एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ना ही किसी तरह का प्रदूषण है और ना ही कोई बीमारी। लेकिन एक बार ये लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आ गए थे, जिसके कारण ये लोग बीमार हो गए थे और इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसे देखते हुए भारत सरकार ने इस द्वीप पर किसी को भी जाने पर रोक लगा दी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लाएं हम आपके लिए कुछ नया।